न जाने कब होगा, न जाने कब होगा, पर जब भी होगा बेपनाह होगा खुद से प्यार। मन में ना कोई शक होगा, मन में ना कोई शक होगा, ना ही कोई दिल में कलेश होगा, ना ही कोई दिल में कलेश होगा, न जाने कब होगा खुद से प्यार। कब आईने को देख के खुद ब खुद मुस्कुराना आएगा, जब कोई पास हो ना हो हमें खुद से ही कहाँ वक्त मिल पाएगा, जब कोई पास हो ना हो हमें खुद से ही कहाँ वक्त मिल पाएगा। कब खुद की हर बचकानी हरकत पे, कब खुद की हर बचकानी हरकत पे खुद को ही लाड़ आएगा, कब खुद की बचकानी हरकतों पे खुद को ही लाड़ आएगा, जब भी आएगा खुद पर प्यार बेपनाह आएगा। थैंक यू सो मच। ये छोटी सी पोयम लिखी थी मैंने, एक पोयम छोटी सी एक और लिखी थी कि वहाँ पे एक शहर में, मुंबई शहर में मुझे लगा कि लोगों के ख्याल, क्योंकि वहाँ पे लोग अकेले बहुत है, बहुत बड़ा शहर है, करोड़ों लोग हैं, लेकिन बहुत अकेलापन है। तो अकेलेपन पे एक पोयम लिखी थी छोटी सी मैंने, कि अकेले बैठ के मैं मेरी कहानी बोता हूँ, अकेले बैठ के मैं मेरी कहानी बोता हूँ, कभी कभी मैं अकेले में रोता हूँ, कभी कभी मैं अकेले में रोता हूँ। मेरे ख्याल मेरी हकीकत के बिल्कुल भी करीब नहीं, मेरे ख्याल मेरी हकीकत के बिल्कुल भी करीब नहीं, मुझे हिम्मत देने वाले बहुत है पर मेरे साथ मैं ही नहीं। मैं दुखी हो जाता हूँ कभी निराश तो कभी परेशान हो जाता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ कभी निराश तो कभी परेशान हो जाता हूँ, इसलिए कभी कभी मैं अकेले में रोता हूँ। डर लगता है, हाँ डर लगता है कि सागर की गहराई जितनी मुश्किल है ज़िंदगी में, कि सागर की गहराई जितनी मुश्किल है ज़िंदगी में, मुत्तजस मेरे मन को मैं इस रफ्तार भरी दुनिया से कैसे बचाऊँ। हाँ डर लगता है, इसलिए कभी कभी मैं अकेले में रोता हूँ। इनायतें तो बहुत है, इनायतें मतलब होता है ब्लेसिंग्स, इनायतें तो बहुत है, शिकायतें भी बहुत हैं, इनायतें तो बहुत है, शिकायतें भी बहुत है, पर ध्यान हमेशा न जाने क्यों शिकायतों पर ही रहता है, इसलिए मैं रोता हूँ। मगर मैं भूल जाता हूँ, मगर मैं भूल जाता हूँ कि शायद मेरी हकीकत लाखों का सपना है, कि शायद मेरी हकीकत लाखों का सपना है, जो खुदा ने बिन मांगे दिया है वो एक सपना है। जब मैं डरता हूँ तो सबसे पहले उन्हें याद करता हूँ, जब मैं डरता हूँ तो सबसे पहले उन्हें याद करता हूँ, लेकिन जब खुश होता हूँ मैं जाने कैसे उन्हें भूल जाता हूँ। शायद कुछ भी सही नहीं है ज़िंदगी में, शायद कुछ भी सही नहीं है ज़िंदगी में, पर ज़िंदगी तो है, मैं कभी कभी ज़िंदगी को जीना ही भूल जाता हूँ। हाँ मैं रोता हूँ अकेले में, हाँ मैं रोता हूँ अकेले में, पर कभी कभी अकेले में हंस भी लेता हूँ, पर कभी कभी अकेले में हंस भी लेता हूँ। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी पोयम लिखी थी मैंने, ये लिखी थी मैंने हाउस होल्ड वर्कर्स पे, हमारे जो घरों में हाउस होल्ड वर्कर्स आते हैं उन पर एक पोयम लिखी थी, छोटी सी पोयम है लेकिन शायद आप लोगों को समझ में आया तो तालियों से स्वागत कीजिएगा उसका। कि सपने उनके भी है, बच्चे उनके भी हैं, सपने उनके भी है, बच्चे उनके भी है, नाम अलग अलग मगर कुछ नाम उनके भी हैं। कचरे वाली, काम वाली, चौकीदार, ड्राइवर, झाड़ू पोछे वाली, ये बस काम उनके हैं, ये बस काम उनके हैं, मगर कुछ नाम उनके हैं, कुछ नाम उनके हैं। कैसा लगता होगा उन्हें, कैसा लगता होगा उन्हें, जो तुम्हारे घर को साफ़ रखते हैं उन्हें ही तुम कचरे वाला है, कचरे वाली कहते हो। दिल तो दुखता होगा उनका मगर वो चुप रहते हैं क्योंकि तुम उन्हें कुछ पैसे जो देते हो। वैसे तो कभी चाय पिलाते नहीं अपन उनको, लेकिन कभी गलती से पिला दो तो वो गंदे से कप न जाने कहाँ से ढूंढ लेते हो। ग्लास में पानी नहीं बस एक जग दे देते हो। उनको सब पता होता है, उनको सब पता होता है कि किस भाव से वो एक कप चाय उन तक पहुँच रही है। कभी उनके घर चल जाओ देख के दंग रह जाओगे तुम्हारे लिए क्या दावत सज रही है। तुम भी अपना काम करते हो तो वो भी अपना काम करते हैं, तुम्हें संडे का आराम मिलता है, हर त्यौहार छुट्टी त्यौहारों पे छुट्टी मिलती है, लेकिन वो कभी छुट्टी करे तो उन्हें उनकी तनख्वाह गिनाई जाती है। क्यों, उनका कोई परिवार नहीं क्या, उनकी शादी शादी नहीं, अरे बस कुछ पैसों के वास्ते वो अपना घर परिवार छोड़ तुम्हारे घर परिवार की रखवाली करते हैं, तुम चैन से सो पाओ इसलिए वो अपनी नींद कुर्बान करते हैं। और फ़क्र होता है ना, फ़क्र होता है ना जब अपने माँ बाप का कोई सम्मान से नाम लेता है, फ़क्र होता है ना जब अपने माँ बाप का कोई सम्मान से नाम लेता है, लेकिन सोचो उस बाप पे क्या बीतती होगी जिसकी औलाद के सामने कोई चल ड्राइवर गाड़ी निकाल कहता है। और देश पे फ़क्र है मुझे, इस देश पे फ़क्र है मुझे, फ़क्र है हम जैसे भारतीयों पर जो अपने बच्चों को फास्ट फूड खिलाने में 5,000 रुपये यूँ ही खर्च कर देते हैं, लेकिन सब्जी वाला 5 रुपये भी ज़्यादा मांग ले उससे लड़ बैठते हैं। यार सोचो अगर ये सब नहीं होते तो, यार सोचो अगर ये सब नहीं होते तो, ना कोई माँ बाहर निकल के नौकरी कर पाती, ना घर की सफाई रोज़ हो पाती। लॉकडाउन में जैसे सब तड़प रहे थे
वैसे सोचो सारी ज़िंदगी हो जाती। अरे ये तो फरिश्ते हैं खुदा के, ये तो फरिश्ते हैं खुदा के, खुदा ने हर किसी को किसी ना किसी मकसद से भेजा है। ये तो तोहफा है खुदा का जिसे हमने सिर्फ नौकर समझ लिया। और सच बताना, ध्यान से सुनने के लास्ट लाइन को, कि और सच बताना, थोड़ी इज्जत उनको क्या चाहिए होता है, थोड़ी इज्जत थोड़ा प्यार उन्हें उनके नाम से पुकार लिया करो यार, कि थोड़ी इज्जत थोड़ा प्यार उन्हें उनके नाम से पुकार लिया करो यार। बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है, बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है जो सपनों के तारे चमक रहे होंगे बच्चों की आंखों में, जो सपनों के तारे चमक रहे होंगे बच्चों की आंखों में, उन्हें धरती पर लाने की ख्वाहिश है, बस इतनी सी उनकी ख्वाहिश है, बस इतनी सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।